अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज संडे का दिन था तो आज मंगवाया था हलवा पूरी का नाश्ता सदाकत से। यहाँ पे जौहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर जो है वो बच्चों के डिस्कशन की मैंने एक क्लिप बनाई थी, क्योंकि लोग आपस में लड़ रहे थे। और फिर जो है जब अम्मी के घर आओ तो वहाँ पर लूडो दिन में 3-4 दफ़ा खेलना पड़ता है, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक है लूडो खेलने का, तो वो खेल रहे थे। अभी फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि मैनीक्योर पेडीक्योर कर लेते हैं। ये वाली किट बहुत अच्छी है, जैसे का की है, इसके अंदर 5-6 स्टेप्स हैं और ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो एक पार्सल आना था दराज से, मंगवाया हुआ था, और इसमें जो है मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे अपने हस्बैंड के अलमीरा के अंदर रखने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शू ऑर्गेनाइज़र, शर्ट्स ऑर्गेनाइज़र, जीन्स ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए थे और अच्छे और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल भी थे। इससे ये होता है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, मैस नहीं होता, वरना अलमीरा जो है वो उनकी हस्बैंड की जो है वो हर वक्त ख़राब रहती है। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवा लिए थे और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था पार्टीशन वाले। यहाँ पर मैंने ये मिरर लिए हुए थे 3, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि इस वॉल पे लगा दे, रूम की वॉल पर एक खाली थी तो यहाँ पर लगा दिया था तो अच्छा लग रहा था। तो हमारा ये लीव्स का फ्रेम था गैलरी में लगाया हुआ, वो पूरा हवा से ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। फिर उसके लिए दूसरे लीव्स मंगवाए थे, लेकर आए थे, और फिर ये भी मैं लगवा रही थी अपने हस्बैंड से। इसको फिर कंप्लीट करके दिखाते हैं, ये लेकिन कम पड़ गई थी, एक और स्टिक होती तो सही से पूरे में आ जाता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है इससे कवर हो गया। इस पर काफ़ी सारी ये टाई क्लिप्स लगी थी इसको फिक्स करने के लिए, एक एक स्टिक्स पे 3-3, 4-4 लगानी पड़ रही थी। तो खैर अब इसकी जो एक लीव्स की जो स्टिक है वो कम पड़ गई थी। यहाँ पर जो है मैंने अलमीरा खाली करी थी अपने हस्बैंड की, उसमें ऑर्गेनाइजर्स को सेट करना था, नीचे शूज़ वाले रख दिए थे, यहाँ पे सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे और इसको तय कर करके रख दी थी। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने निकाले थे उसके अंदर जो है मैं उसको अभी खैर इसको असेंबल कर रही हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को। काफ़ी अच्छी स्पेस है और अच्छी क्वालिटी के थे, तो इसके अंदर सेट होकर ना सारे काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई सारी चीज़ें। तो अभी मैं आगे दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको सेट करा है। ये इस तरीके से फोल्ड होकर सारे जीन्स वगैरह रख दी थी, लेकिन एक पोर्शन में सिर्फ एक ही जीन्स आ रही थी, तो 9 और 10 इस तरीके से मैंने सेट कर दिया था 10-10 करके। तो काफ़ी सारे इसमें जीन्स सारी ऑर्गेनाइज हो गई थी अच्छे से, काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत ही ईजी टू यूज़ है इसको इसी तरह। और ये वाला जो था ये ऊपर हैंग हुआ हुआ था, ये टूट गया था, तो मेरे माइंड में आया इस तरीके से जीन्स जो बाकी की रह गई थी वो इस तरीके से मैंने एक के अंदर 2-2 करके ऐड कर दी थी, तो ये भी यूटिलाइज हो गया था। फिर हमने सोचा संडे है तो संडे बाज़ार चलते हैं, यहाँ पे मैं और अम्मी संडे बाज़ार जा रहे थे देखने के लिए। हम यहाँ पर बैक साइड वाले रूट से जा रहे थे तो यहाँ पर रश नहीं मिलता है और जल्दी से पहुँच जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते नहीं है। ये अलादीन वाले हम संडे बाज़ार आए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रश होता है, तो हम लोगों ने खैर इतना ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, फ़ौरन ही बस देख कर आ गए थे। ये वाले नेल्स, इसके अंदर काफ़ी सारे नेल्स थे, फेक नेल, और इसमें बहुत सारी कलर्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो ये सिर्फ 1000 रुपीज़ का मिल रहा था, तो काफ़ी रीज़नेबल था। गन्ने का जूस पिया फिर हमने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी वीडियो छोटी सी, और मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्टेंट के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।